मृत्यु क्या है और क्यों हम सबको एक दिन मरना ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी और स्वागत है आपका हमारी विवेक स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। कहते हैं कि मृत्यु अटल है, देवताओं को छोड़कर सभी प्राणियों को एक न एक दिन मरना ही है। मरने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, जो मरने के बाद फिर कोई वापस नहीं लौटता। अध्यात्म और धर्म से लेकर विज्ञान तक आज भी इसी रहस्य को सुलझा नहीं सके। क्या शिव है मृत्यु के ईश्वर? दोस्तों, आमतौर पर यह मान्यता है कि भगवान शिव संहार के देवता है, लेकिन शुद्ध सनातन धर्म के अनुसार शिव प्राणियों की रोजमर्रा होने वाली मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं है। भगवान शिव सृष्टि के संहार की ईश्वरीय सत्ता है। जब संसार में लय हो जाता है तब शिव प्रलय के द्वारा सृष्टि का अंत करते हैं और इसके बाद फिर से सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा किया जाता है। तो क्या यमराज के हाथों हमारी मृत्यु होती है? दोस्तों, आमतौर पर यह भी मान्यता है कि यमराज हमारी मृत्यु के कारण है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब यमदूत हमारे प्राणों को लेने आते हैं और यमलोक ले जाते हैं। वही पाप और पुण्य का फैसला होता है और हमारे कर्मों के अनुसार हमें स्वर्ग या नर्क मिलता है। जब हमारे पाप या पुण्यों की मात्रा का क्षय हो जाता है तब हम फिर से पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। लेकिन शुद्ध सनातन धर्म के अनुसार यमराज भी मृत्यु के कारक देवता नहीं है। यमराज के यमदूत हमारी मृत्यु हो जाती है तब प्राणों को लेने के लिए आते हैं और यमलोक लेके जाते हैं। यमराज एक तरीके से धर्मराज है जो यमलोक से हमारे पाप और पुण्य का फैसला करते हैं। दोस्तों, मृत्यु एक देवी है और वही हमें मारती है। दोस्तों, शुद्ध सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों के अनुसार मृत्यु ब्रह्मा की पुत्री का नाम है। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई है। वही ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार हमारे प्राणों को हरण करती है, जिसके बाद यमदूत हमें यमलोक ले जाते हैं। मृत्यु देवी के जन्म की कथा महाभारत के द्रोण पर्व के अध्याय 52-54 में दी गई है। दोस्तों, महाभारत के द्रोण पर्व में जब अभिमन्यु का वध हो जाता है तब युधिष्ठिर शोक से संतप्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर के शोक में डूबा हुआ देखकर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास वहां आते हैं और युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास करते हैं। व्यास जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि मृत्यु अटल है, मृत्यु से देवता गंधर्व भी नहीं बच सकते हैं, फिर अभिमन्यु तो एक मनुष्य था। व्यास जी समझाते हुए कहते हैं कि देखो कैसे हजारों राजा मृत्यु नाम धारण कर पृथ्वी पर सदा के लिए सो गए हैं। इसके बाद व्यास जी युधिष्ठिर को मृत्यु की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। यह कथा मंगल करने वाली है और वेदों के अध्ययन जैसी ही पवित्र है। व्यास जी कहते हैं कि सभी मनुष्यों को प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं अकंपन और उनके पुत्र हरि की मृत्यु की कथा। दोस्तों, व्यास जी ने महाभारत में युधिष्ठिर को सतयुग की एक कथा बताते हैं। वो कहते हैं कि सतयुग में अकंपन नाम का एक महान राजा था जो अपने पराक्रम में इंद्र के तुल्य था। एक बार अकंपन शत्रु सेना से घिर गए। अपने पिता को शत्रु से घिरा देख उनका पुत्र हरि उन्हें बचाने आया, लेकिन हरि शत्रुओं से लड़ता हुआ मारा गया। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर अकंपन शोक संतप्त हो गया। अकंपन को शोक से घिरा देख देवर्षि नारद वहां आए और उन्होंने उनके शोक को दूर करने के लिए मृत्यु की उत्पत्ति की कथा बताई। तो महाभारत की कथा के अनुसार देवर्षि नारद अकंपन को मृत्यु की देवी के जन्म की कथा बताते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की उस वक्त संहार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, अतः इस जगत को प्राणियों से भरा और मृत्यु से रहित देखकर ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। पितामह ब्रह्मा की चिंता धीरे धीरे क्रोध में बदल गई। इस क्रोध के फलस्वरूप उनकी इंद्रियों से अग्नि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से निकले इस अग्नि ने समस्त प्राणियों का संहार शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न अग्नि के द्वारा समस्त सृष्टि का नाश होते देखकर एकादश रुद्रों में एक स्थार रुद्र वहां आए और उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विनाश को रोकने की प्रार्थना की। अस्थार रुद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वो अपने इस अग्नि तेज को अपने अंदर वापस ले ले और प्राणियों का संहार बंद कर। जब अस्थार रुद्र ने ब्रह्मा जी से क्रोधाग्नि के तेज उपसंहार की प्रार्थना की तब ब्रह्मा जी तैयार हो गए। अपने क्रोधा अग्नि को अपने अंदर लेते हुए ब्रह्मा जी की संपूर्ण इंद्रियों से एक नारी का जन्म हुआ। उस नारी का रंग काला और लाल था। वह नारी ब्रह्मा जी के इंद्रियों से निकलकर दक्षिण दिशा में जाकर खड़ी हो गई। दोस्तों, दक्षिण दिशा को ही प्रवेश द्वार माना जाता है। ब्रह्मा जी ने उस नारी को मधुर वाणी में मृत्यु कहकर पुकारा। ब्रह्मा जी ने उस मृत्यु नाम की नारी को समस्त प्राणियों का संहार के लिए आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने मृत्यु से कहा, तू मेरी संहार बुद्धि से मेरे क्रोध के द्वारा प्रकट हुई है,
इसीलिए मूर्ख और विद्वान सभी का संहार करती रहे। मेरी आज्ञा से तुझे यह कार्य करना होगा और इससे तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब ब्रह्मा जी ने मृत्यु की देवी को समस्त प्राणियों का संहार की आज्ञा दी, तब देवी रोने लगी। उनके आंसुओं को ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों में ले लिया। ऐसा माना जाता है कि इन आंसुओं से ही रोग और व्याधियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने देवी को बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने संहार कार्य करने से मना कर दिया। दोस्तों, मृत्यु की देवी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं एक नारी हूँ और आप क्यों मुझे ऐसे पाप कर्म में लगाना चाहते हैं? यह एक क्रूर कर्म है और इसको करने में मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। मैं कैसे किसी के पिता, भाई, माता, पुत्र आदि को मारूंगी? अगर मैंने ऐसे किया तो सभी लोग मेरे अनिष्ट की बात करेंगे। इसके बाद देवी तपस्या करने के लिए धेनुकाश्रम चली गई। वहाँ कई करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद कई और पवित्र स्थानों पर जाकर तपस्या की और ब्रह्मा जी को एक बार फिर प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने इस कठोर तपस्या का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वो प्राणियों का वध नहीं करना चाहती हैं। मृत्यु ने ब्रह्मा जी से प्राणियों का वध न करवाने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने मृत्यु की देवी को वरदान दिया कि उसे किसी भी प्राणी के वध का पाप नहीं लगेगा, प्राणियों का वध नहीं करेंगी, बल्कि इसमें उनकी सहायता लेखपाल, यमराज और कई प्रकार के रोग करेंगे। ब्रह्मा जी ने मृत्यु की देवी को कहा कि आपके जिन आंसुओं को मैंने अपने हाथों में लिया था, उससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। इन रोगों से ही प्राणियों का नाश होगा। मृत्यु ब्रह्मा जी के वरदान को पाकर निश्चिंत हो गई। मृत्यु के आंसुओं से पैदा हुए व्याधियों से रोगों का जन्म होता है और यही रोग प्राणियों को मार डालता है। सभी प्राणी स्वयं ही अपने आप को मारते हैं। नारद जी युधिष्ठिर को इस प्रकार समझाते हुए अभिमन्यु के बल से उत्पन्न शोक को त्यागने की बात करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।